हेलो दोस्तों, गुड डे, नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मुसाफिर पे। वेलकम टू मुसाफिर। वीडियो में आप जिस जगह को अभी देख रहे हैं, ये अबू धाबी का ड्यूटी फ्री सेंटर है। आज के वीडियो में आप हमें अबू धाबी से कायरो इजिप्ट जाता हुआ देखेंगे। सिलीगुड़ी से इजिप्ट की सीरीज में ये तीसरी और आखिरी कनेक्टिंग फ्लाइट है। अगर आप पहले दो पार्ट को देखना चाहते हैं, सिलीगुड़ी से दिल्ली और दिल्ली से अबू धाबी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अभी समय हुआ है 10:15 और हम अबू धाबी इंटरनेशनल टर्मिनल से उड़ान भर रहे हैं। अबू धाबी शेख जायद ग्रैंड मस्जिद, स्काई स्क्रैपर, स्पोर्ट्स इवेंट, मैनग्रोव कैंकिंग, फरारी वर्ल्ड, यस आइलैंड और भी कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के रोड स्ट्रक्चर, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत सही हैं। ऐसा जंक्शन पॉइंट जहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, और कमाल की बात यह है कि किसी को किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक फ्लो चलता रहेगा। अगर आप रास्ते के डिजाइन कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। द इंटरसेक्शन, एक चौराहा। ये जो नीचे सर्कुलर आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, इसका नाम है न्यू अल फलाह, जिसमें स्पोक्स रूपी रास्ते, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और एक बेहतरीन डिजाइन का प्रदर्शन दिख रहा है। अपने आप में यह एक माहिम कलाकृति दर्शाती है। आप खुद ही सोचिए, फ्लाइट से दिख रहा है एक परफेक्ट सर्कुलर डिजाइन, कैसे नाप तोल के बनाया होगा इसे, हर चीज का हिसाब रखकर एक उत्तम इंजीनियरिंग का प्रदर्शन। देखते ही देखते अबू धाबी हमारी आंखों से ओझल हो गया और खान पान की सर्विस शुरू हो गई। लंच में हमें दिया गया है एक बंद, अरबिक चटनी, स्ट्रॉबेरी क्रीम, बटर, बिरयानी, एप्पल जूस और एक पानी का बोतल। ये हमारी सिलीगुड़ी से कायरो की यात्रा का तीसरा और आखिरी चरण है। हम पहले सिलीगुड़ी से नई दिल्ली आए, फिर नई दिल्ली से अबू धाबी और अब अबू धाबी से कायरो इजिप्ट। अभी हम गल्फ ऑफ स्वेज के ऊपर से जा रहे हैं। नीचे जिस जगह को देख रहे हैं, इस जगह को एनसुकना कहते हैं, जो स्वेज कैनाल के पास स्थित है। यहाँ से कायरो बाय रोड करीब 2-2.5 घंटे की यात्रा है। नेक्स्ट वीडियो में आप हमें कायरो से स्वेज बाय रोड आता देखेंगे। सीट बेल्ट साइन ऑन हो चुका है और कैप्टन ने उतरने की सूचना दे दी है। फ्लाइट ने डिसेंट चालू कर दिया है और हम कुछ ही पलों में इजिप्ट में लैंड करेंगे।
अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम सुरक्षित इजिप्ट में लैंड कर चुके हैं। थैंक यू इतिहाद एयरवेज टीम फॉर ए प्लेजेंट फ्लाइट। ये जो जेंटलमैन बोर्ड लिए खड़े हैं, मैन इन ब्लैक सूट, ही इज द वन केम टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। एक वीआईपी वाली फीलिंग आती है यार, जब विदेश में आपके नाम की बोर्ड लिए कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है। ओ यार, ऐसी जो चाहे फील कर सकते हैं यार। माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, अगर आप हमारे इस छोटे से प्रयास और कोशिश को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें अपना प्यार, सहयोग और अनुभव आगे भी देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के द्वारा। तो फिर मिलते हैं हमारे सफर के अगले पड़ाव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर। हैव अ गुड डे।